हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाले एआरओ की पोस्ट के लिए पोस्ट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1.5 से 2 महीने के भीतर एआरओ के लिए, जो कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, इसके लिए करीब 400 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी करेगा और ये मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने के भीतर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जो कि ऑल ओवर यूपी 1788 पोस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की भर्ती होनी है, उसका रिज़ल्ट अवेटेड है। वो रिज़ल्ट अपलोड होने के बाद यह नोटिफिकेशन या उसी के साथ में एआरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए 1/4/2018 का हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी चार्ट अपना निकाला है, जिसमें ये रजिस्ट्रार वगैरह जितनी पोस्टेस हैं, ये तो सब प्रमोशनल पोस्ट हैं। पिछली बार रिव्यू ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई थी, जो कि बहुत वैकेंसी थी, 367 के आसपास पोस्टेस थी, लेकिन इस बार रिव्यू ऑफिसर भी प्रमोशनल पोस्ट बना दी गई है और वैकेंसी सिर्फ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आएगी, जिसको एआरओ बोलते हैं। इसमें देखिए टोटल स्ट्रेंथ है इसकी, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो एआरओ में दिखा रहा है वो है 408 पोस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सैंक्शन है, जिसमें से वर्किंग स्ट्रेंथ एआरओ की 95 दिखा रहा है और 313 पोस्ट की वैकेंसी यहां पे खाली है एआरओ के लिए। अब हाई कोर्ट ये करेगा कि जो 95 पोस्ट हैं, जिसमें 95 लोग काम कर रहे हैं एज अ एआरओ, उनको प्रमोट करके आरओ बनाया जाएगा और ये जो खाली हुई वैकेंसी है इसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा 313 में, जो कि 400 प्लस चली जाएगी। और फिर इसी पोस्ट का नोटिफिकेशन एआरओ निकालेगा। एआरओ एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है, इसका ग्रेड पे 4600 है और ये नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। 2 साल के बाद इसका प्रमोशन होता है, तब ये रिव्यू ऑफिसर बना दिए जाते हैं ये एआरओ, और ये तब गेस्टेड पोस्ट हो जाती है। हाई कोर्ट में एक पोस्ट और है जिसमें भर्तियां होती हैं, लेकिन ये बहुत कम होती है। इसको पहले आरजीसी बोला जाता था, लेकिन इस समय इसको कंप्यूटर असिस्टेंट बोला जाता है। पहले आरजीसी का ग्रेड पे 1900 होता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके आरजीसी का कंप्यूटर असिस्टेंट कर दिया गया है और इसका ग्रेड पे 2400 रखा गया है। इसमें भी वैकेंसी दिखा रहा है, लेकिन मात्र 40 दिखा रहा है। इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि हाई कोर्ट एआरओ की वैकेंसी निकालेगा, वो भी करीब 400 के आसपास पोस्ट निकालेगा। इसके सिलेबस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में इसके लिए अपलोड करूँगा, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी। तो सिर्फ फ्रेंड्स, इसके लिए तैयार रहिए। एआरओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट जो वैकेंसीज निकालता है वो कोर्ट कचहरी का चक्कर उसमें नहीं रहता है, वैकेंसी निकालता है और मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट करा करके आपको ज्वाइनिंग दे देता है, और ये एक अच्छा माध्यम है जिससे आप नौकरी पा सकते हैं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए और अभी से इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका सिलेबस मैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर पूरा अपलोड कर दूँगा, एक वीडियो बना दूँगा, और उसको आप देख करके इसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एज बात करते हैं, इसकी एज होती है एआरओ के लिए की करीब 18 से 35 साल। मिनिमम एज इसकी 18 होती है और मैक्सिमम एज 35 वर्ष होती है। इस बीच में 18 से 35 के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है और एज होते हैं 18 से 35 के बीच में। तो जो लड़के सीजीएल की तैयारी करते हैं और ओवर एज हो चुके हैं वो इसके लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं और वो इस एग्ज़ाम को निकाल के एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात। अब इसके बाद होता है टाइपिंग टेस्ट, जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से एक जजमेंट आपको मिलेगा, जो आपको टाइप करना होगा वो हाई कोर्ट का ही जजमेंट होगा। काफ़ी टफ टाइपिंग होती है, लेकिन फिर भी आप इसको आराम से कर पाएंगे
मुश्किल से 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, और यह नौकरी आप आराम से पा लेंगे। तो तैयारी करिए, मुझे जानकारी मिली थी, मैंने सोचा आप लोगों को इसको अपडेट कर दिया जाए। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।